अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे सबसे बात करने वाले हैं अपने रॉयल पास के बारे में और C5S13 सीज़न जो है इसकी लास्ट डेट कौन सी होने वाली है, कब तक हम लोग अपना रैंक पुश कर सकते हैं और न्यू सीज़न यहाँ पे कब आएगा, सारा बताने वाला हूँ आप लोग आज इस वीडियो में। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हमारे जो 3K यहाँ पे सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जो है ना 9 सब्सक्राइबर यहाँ पे रह गए, जल्दी से वो भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं लोग अपने सीजन वाली साइट पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को सीजन की टाइमिंग बता दूंगा, उसके बाद जो है जो न्यू रॉयल पास आने वाला उसकी टाइमिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आप लोग देख सकते हो इसकी जो लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है ना, 13 डेट इन्होंने यहाँ पे लास्ट बताई हुई है, मगर ये 13 डेट इसकी यहाँ पे लास्ट नहीं होने वाली। 14 की सुबह 7 o'clock तक आप लोग जो है ना अपना रैंक यहाँ पे पुश कर सकते हो, ठीक है। 5 o'clock तक नहीं, 7 o'clock तक आप लोग जो है ना 14 की सुबह आप लोग अपना रैंक यहाँ पे पुश कर सकते हो। जितने भी रिवॉर्ड्स अगर आप लोग यहाँ पे आके कलेक्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप लोगों ने एस डोमिनेट या कॉन्कर वगैरह पर आप लोगों ने अगर जाना हुआ तो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों ने यहाँ पर अगर कॉइन्स वगैरह या सिल्वर फ्रैगमेंट आप लोगों ने अभी तक अगर परचेज़ नहीं किए तो आप लोग यहाँ से भी सिल्वर फ्रैगमेंट और एजी करेंसी वगैरह आप लोग जो है ना यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, वरना जो है ना 14 की सुबह 7 o'clock तक आप लोगों का ये सारा रीसेट हो जाएगा। सीजन की मैंने टाइमिंग आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, 14 की सुबह 7 o'clock तक आप लोग जो है ना अपना रैंक यहाँ पे पुश कर सकते हो, और जैसे 7 o'clock यहाँ पे हो जाएंगे तो आप लोगों के पास न्यू सीज़न यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने RP की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यू रॉयल पास हमारे पास यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पे इसका week 8 भी यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रॉयल पास लिया है उनके पास यहाँ पे week 8 भी यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट होने वाली वो हम आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी भी जो लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे बताई हुई ना 13 डेट इसकी यहाँ पे लास्ट आई हुई है, ठीक है। ये रॉयल पास और न्यू सीज़न हमारा एक ही यहाँ पे डेट को आने वाला, मगर ये जो है 5 o'clock पर आप लोगों का यहाँ पे लॉक हो जाएगा। 5 o'clock से पहले पहले आप लोगों ने अपनी 100 RP यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है, और जितने भी यहाँ पे आप लोग के RP पॉइंट्स है वो आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लेने हैं, कोई ना कोई आइटम्स वगैरह आप लोगों ने यहाँ पे परचेज कर लेने हैं, या आप लोग चाहो तो ये क्रेट वगैरह ओपन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन होती है भाई अगर हम लोग 1 to 50 RP या 50 से 100 RP हम लोग यहाँ पे परचेज करते हैं या 1 to 100 RP हम लोग यहाँ पे परचेज करते हैं उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, यार दोनों में सेम ही बेनिफिट है। आप लोग यहाँ से कुछ भी यहाँ पे परचेज वगैरह यहाँ पे कर सकते हो आप लोग अपने RP पॉइंट से। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने 1 to 50 और 50 से 100 RP में परचेज की थी, तो आप लोग यहाँ पे देखो मैंने ये वाला मिनी मटेरियल भी यहाँ पे परचेज किया है, और ये वाले जो है मैंने ये अपग्रेड कार्ड भी मैंने यहाँ पे परचेज किए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं जो मर्जी आइटम्स यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये इमोट की स्किन भी यहाँ पे ले सकते हो, मगर इसके लिए यहाँ पे UC वगैरह यहाँ पे चाहिए होगी आप लोगों को। यहाँ पे 1 to 100 और यहाँ 1 to 50 या 50 से 100 यहाँ पे RP दोनों की दोनों जो है ना यहाँ पे सेम होती है, इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजिंग यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने यहाँ पे 14 की सुबह 5 o'clock तक जो है ना आप लोगों ने अपने यहाँ पे RP यहाँ पे 100 कर लेनी है। अगर उसके बाद आप लोग यहाँ पे RP पॉइंट वगैरह यहाँ पे यूज़ करना चाहोगे तो आप लोग यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।